तो दोस्तों सुबह के 5:30 बज चुके हैं और हम रूम से जा रहे हैं सीधा रामेश्वरम टेम्पल दर्शन करने। उससे पहले जाएंगे अग्नि तीर्थम स्नान करने के लिए। तो वीडियो पर बने रहे और पुरानी वीडियो ना देखी हो तो रामेश्वरम कैसे आए तो आप वीडियो का पिछला ब्लॉग देख लीजिए। जे रही हमारी सवारियां, हम जा रहे हैं अब स्नान करने। तो दोस्तों ये थी हमारी धर्मशाला और धर्मशाला ऐसी है बिल्कुल बाहर निकलते ही आप देख सकते हैं ये रहा टेम्पल हमारा रामेश्वरम जी का। और सीधा इसी रोड पे जाना है तो अग्नि तीर्थम समुद्र सामने है और सनराइज भी हम इधर से ही देखेंगे। इस दुकान से हम लेंगे अभी एक बॉटल जिसमें हमें 22 कुओं का पानी भरना है, वो लेके जाऊंगा घर पे। तो वो यहीं से एक खाली बॉटल लेंगे क्योंकि एक खाली बॉटल जूस की थी वो इसने ले ली है, ये भी इसके हाथ में और ये दे नहीं रहे हैं भैया। तो एक ये भी गेट है, चारों तरफ गेट है यहाँ पर और सामने देख सकते हैं सनराइज होने वाला, हल्का हल्का रेड रेड होने लग गया। और बहुत सारे होटल हैं यहाँ पर, आप ले सकते हैं यहाँ पर कमरे, तो बहुत सारे काफ़ी सारे हैं। मंदिर का जो मेन गेट है वो ये है, यहाँ से एंट्रेंस है। सभी लोग इधर अग्नि तीर्थम है इधर की साइड, अग्नि तीर्थम से आते हैं स्नान करके और सीधा अंदर जाते हैं। तो आप अग्नि तीर्थम आएंगे तो आपको ये टेम्पल मिलेगा पहले और उसी के पीछे आप देख सकते हैं वो अग्नि तीर्थम है, वहाँ पर स्नान करने की मान्यता है। यहाँ पर स्नान करके और फिर मंदिर के दर्शन होते हैं। व्यू, यहाँ सभी लोग हैं, भीड़ लगी हुई है स्नान के लिए और यहाँ पर थोड़ा लेडीज वगैरह का भी है चेंज वेंज करने के लिए। आ जाओ फिर। यहाँ पर पापा समुद्र देवता से प्रार्थना करते हुए दोस्तों सामने देख सकते हैं सूर्य देवता आ चुके हैं वो रे, और यही एक अच्छा पॉइंट है सूर्य उदय देखने का। यहाँ सभी फोटोग्राफ करवा रहे अपनी। जय समुद्र देव। तो हम नाच चुके हैं फाइनली, अब जा रहे हैं दर्शन करने और बड़ा मज़ा आया नहाने में भी। और यह मान्यता है कि रामचंद्र जी ने यहाँ स्नान करके तभी भगवान जी शंकर जी की पूजा करी थी। तो अग्नि तीर्थ मेरी मामी कर रही है गुस्सा, क्यों कह रही है नहा के नहीं हट रहे, दर्शन कब करोगे, आ जाओ सभी। तो भैया नहा लिए हैं, अब जा रहे हैं कुंडों पे स्नान करने। ये देखिए सामने हम पहुंच चुके हैं टेंपल के बाहर और ये सभी हमारे यहाँ खड़े हैं दर्शन अभिलाषी। तीर्थ स्नान जाने का मार्ग यहाँ से, ये इस वाले गेट से हम जाएंगे अंदर और अंदर जाके नहाएंगे 20-22 कुंडों में जितने भी कुंड बाल्टियाँ देख सकते हैं। यहाँ पर टिकट लगी है 25 रुपए की और ये वही गलियारा है जो सबसे बड़ा गलियारा है, वो अभी आगे आपको दिखाऊंगा मैं निकलने के बाद। अभी जा रहे हैं हम इधर की साइड तीर्थों के, जो 22 तीर्थों का पानी है उसमें स्नान करने। तो दोस्तों अभी तक तो बैंक के लिए किसी ने नहीं बोला, पर यहाँ जो मीनाक्षी देवी टेम्पल था वहाँ नहीं ले जाने दे रहे थे और अब जा रहे हैं 22 कुंडों का पानी जो है उसमें स्नान करने। ये बॉटल ले रखी है, इसमें हम पानी भर के भी लाएंगे। तो दोस्तों ये है तीर्थ, स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर यह है कि नहा रहे तो फोन की जगह के इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे, तो सॉरी। 8वां तीर्थ अभी जा रहे हैं कुंड में स्नान करने। तो अभी 22 कुंडों में से नहाकर आए और आप देख सकते हैं पीछे शिवलिंग है, लाइन से बहुत सारे शिवलिंग है और आगे तक। तो दोस्तों एक बात जो इम्पोर्टेंट बतानी है, यहाँ पर 22 कुंड है, 22 कुंडों में स्नान करने के लिए 25 रुपए की टिकट कटती है
गवर्नमेंट की, और इनका काम है कि 22 कुंडों में लोगों को जो भी आ रहे हैं उनको स्नान करवाओ। पर यहाँ के लोगों ने 100 रुपये पर बंदा बांध रखा है, 25 के अलावा 100 रुपये आप पर बंदा दोगे तो ये अच्छे से स्नान करवाएंगे, पानी डालेंगे, नहीं तो जो 25 रुपये वाली टिकट है उस वो गई भाड़ में, किसी का कोई लेना देना नहीं है उस टिकट से, और सब अपने जजमानों में लग रहे हैं। तो गवर्नमेंट से ये थोड़ा सा अपील है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये रामेश्वरम हम सबका है, यहाँ किसी पर्टिकुलर यहाँ के बंदों का नहीं है, तो इस चीज़ पे थोड़ा नज़र डालें। तो ये है गलियारा, विश्व का सबसे बड़ा मंदिरों का गलियारा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए पहनावा, लुंगी और शर्ट हमने पहन ली है, यहाँ का फोक है, और अब जा रहे हैं दर्शन करने। तो पता नहीं अंदर मोबाइल ले जाने देंगे नहीं ले जाने देंगे, तो अपन रेडी है। बताइए कमेंट में कैसा लग रहा हूँ, ये ऐसे स्टाइल में वो ऐसे बांधते ना लुंगी डांस ठीक है। तो दोस्तों रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं दर्शन के लिए, आप देख सकते हैं ये सभी बंदे सब लुंगी पहन के तैयार है। ये देखिए ये हमारी माता श्री और माता श्री और माता श्री, कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। आपके बाल छोटे हैं, अभी सेम कलर मैचिंग करके आए हैं। ये देखिए इधर हमारा और इधर भाई साहब का बेला कलो साउथ के है गए हैं। ये है मंदिर हमारा सामने आप देख सकते हैं, ये एंट्री एग्जिट यही से है इसी मंदिर की, सामने अंदर जाएंगे तो वहाँ पर है श्री रामेश्वरम मंदिर। पीछे चले वहीं तले कर रहे हैं सब, फोन तो ले लिया हमने, चलो। फोटो वीडियो अलाउड नहीं है फिर भी हम बना रहे हैं, कई लोगों ने मना कर दिया फिर भी बना रहे हैं, ठीक है। पूरी फैमिली आ गई है दर्शन करके कॉरिडोर में जाते हुए, आ जाइए जल्दी आइए। तो अब अपने रूम में आ गए हैं, अब रुक के आराम करेंगे थोड़ा सा, यार बहुत थक गए हैं, पैर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो आराम करने के बाद फिर जाएंगे धनुषकोडी। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें जो देखनी बाकी है। मामा जी क्या हो गया। तो दोस्तों हम रूम से निकल चुके हैं और जा रहे हैं धनुषकोडी राम सेतु देखने, तो बने रहे पूरी वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो अभी तक लाइक भी नहीं करी ना तो प्लीज़ अब लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप ऐसी चीज़ देखने वाले जो जीवन में लोग बहुत कम देख पाते हैं, और जिन्होंने देखी है तो उनका एक्सपीरियंस वाओ का था, तो उसी एक्सपीरियंस को हम आपको दिखाएंगे और ख़ुद भी फील करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। सभी तैयार होके आ चुके हैं, पानी वानी पी रहे हैं, और यहाँ पर आने वाला है हमारा ऑटो, अभी यहाँ से ऑटो आएगा और ऑटो बुक कर रखा है हमने, और जाएंगे धनुषकोडी। धनुषकोडी जाना था, टाइम हो गया था ज़्यादा, इसलिए हम धनुषकोडी नहीं गए, और यहाँ की मार्केट थोड़ी सी एक्सप्लोर करी थी हमने, जिसे मैं दिखाना नहीं चाहता था। अब हैं हम ढाबे पे, मारवाड़ी ढाबा, और ये खा रहे हैं खाना, मिस्सी रोटी है, कढ़ाई पनीर है, दाल है और हरी मिर्च है, और साथ में सैलेड। सभी लोग खा रहे हैं खाना, और खाना खाने के बाद हमारा प्लान है कि बीच पे जाके नहाएंगे, अगर वहाँ अंधेरा हुआ तो आपको नहीं दिखा पाएंगे, सो प्लीज़ है ना अंडरस्टैंडेबल प्लीज़। तो खाना खा लें, अब जल्द ठंडा हो जाएगा। तो दोस्तों खाना खा के हो गए फ्री, यहाँ पर धोया है हाथ, और सामने देख रहे हो मिरर है ना, कितना अच्छा लग रहा हो ना। और ये दीक्षा मेरी भतीजी, क्या बात है, थैंक यू दीक्षा है ना, ये मामी है, मामी हाथ धोने जा बहुत जल्दी, क्या बात है क्या बात है। तो ठीक है दोस्तों खाना बहुत अच्छा था, मारवाड़ी इसका होटल का टेस्टी खाना था, बढ़िया खाना था, और ये हमारी मामी है, ये मारवाड़ी होटल है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप आए तो इनको कॉल करें और यहाँ खाना खाएं, ठीक है। चलते हैं फिर आगे, बाय गाइस, अभी चलते हैं आगे, जब ब्लॉग एंड करेंगे तो आपको बताएंगे।
हाँ ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, इनका नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है और बहुत टेस्टी खाना है, और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर दे दूंगा, तो आप इनको कॉल कर कर अगर पैकिंग करके आपको धर्मशाला में मंगाना है वहाँ भी पहुँच जाएगा, और यहाँ के खाना है वैसे यहाँ के खाएंगे तो गरम गरम बड़ा टेस्टी लगेगा। ओके मिलते हैं। ये मारवाड़ी ढाबा शुद्ध शाकाहारी, कॉन्टैक्ट नंबर आप ले सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों खाना खा के होटल में आके अब सो चुके हैं, ब्लॉग भी यहीं तक था, कल धनुष होड़ी देन कन्याकुमारी हम जा रहे हैं, तो उसके बारे में हम बताएंगे, तो अब सो जाते हैं ना, बाय, गुड नाइट। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार चैनल को, है ना, बाय।